नमस्कार, आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। और मैं इस खास प्रोग्राम में ना सिर्फ आपको दूंगी एक शानदार टिप, बल्कि आपको बताऊंगी आपके आज का, आज बुधवार का आपका टैरो फोरकास्ट, जो कि आधारित होगा आपके सन साइन पर, यानी कि आपकी राशि जो आपकी जन्म तिथि के अनुसार बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के फोरकास्ट पर। तो आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार वाले दिन मेष राशि वालों का कैसा जाने वाला है, चलिए ये देखते हैं। तो एरीज यानी कि मेष राशि के लिए कार्ड क्या निकल कर आता है, तो आपके लिए निकल कर आता है 10 of Swords का कार्ड। भाई आज तो सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये कार्ड बता रहा है कोई आपका अपना, जिसे आप बहुत ज्यादा अपने करीबी समझते हैं, कोई आपको आज ऐसा हो सकता है कि जैसे कि पीठ में छुरा घोप देते हैं ना, ऐसा कुछ आपको धोखा दे सकता है। तो आपको केयरफुल होकर चलने की जरूरत पड़ेगी आज। दूसरी बात यह है, हेल्थ को भी वॉच करने के लिए आपको आज मैं बोलूंगी कि आप अपनी हेल्थ को वॉच करके चलिए, और हो सके तो प्रोटेक्टिव एमुलेट्स या जो कुछ भी आपके पास है, एक ओम का पेंडेंट भी अगर आप पहन लेंगे तो आपके लिए काफी सुरक्षा कवच का काम करेगा। चलिए अब दूसरी राशि का रुख करते हैं, टॉरस यानी कि वृषभ राशि का। वृषभ राशि का कार्ड निकल कर आया है 7 of Swords का कार्ड। देखिए पहली बात तो ये जो प्रेमी युगल जोड़े हैं ना, आज के दिन जो है ना, छुप कर मिलने के बारे में सोच सकते हैं, घर से भागने के बारे में सोचते हैं। भाई आज थोड़ा सा इस तरह की एनर्जीज बनी हुई है, थोड़ा सा सावधान रहिए इस एनर्जी में, अपने आप को कंट्रोल करके चलने की जरूरत है। और दूसरी बात ये, आज अपने सामान को भी थोड़ा संभाल कर चलिए, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि आज आपका कुछ सामान खो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो कुछ खो सकता है, ऐसी एनर्जीज बनी हुई है। तो अब बात करते हैं अगली राशि जेमिनी की। तो जेमिनी के लिए निकल कर आता है ये कार्ड, तो ये कार्ड है मैजिशियन का कार्ड। तो मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है, देखिए मुझे आपको ये क्लियरली बताना है कि आज आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या जहाँ पर भी आपकी कोई भी किसी भी तरह की कुछ भी प्रस्तुति है, उस प्रस्तुति में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। लोग आपकी प्रस्तुति की बहुत सराहना करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अप्रिशिएट की जाएगी और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो जनरली मैजिशियन होता है ना, कि वो अपने टूल्स से मतलब एक ऐसा प्रभाव क्रिएट कर जाता है कि लोग वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, इस तरह का आप प्रभाव क्रिएट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड निकल कर आया है जेमिनी राशि वालों के लिए। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, तो कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए निकालती हूँ अपना कार्ड। तो आपके लिए आज बहुत ही खुशी से भरा हुआ दिन है आज। आप काफ़ी प्रसन्नचित रहेंगे, दोस्त आपके साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे, आप अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे, फैमिली में भी लोग आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए ना, तो आज आप पर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस्ड रहेंगे, और थोड़ा वर्क तो आपका नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप आपकी हाईलाइटेड है आज के दिन। अगली राशि की बात की जाए, लियो। लियो के लिए निकल कर आता है 2 of Wands का कार्ड। 2 of Wands का कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड जनरली मेरे कार्ड में एक मंक दिखाता है, जो एक तलाश में निकलता है कि हाँ, जो उसे अपने जीवन का लक्ष्य है उसको खोजना है, एक किसी चीज़ की तलाश है, किसी ज्ञान की तलाश है, उस ज्ञान की तलाश में वो व्यक्ति निकलता है, और वो ज्ञान प्राप्त होने में उसे थोड़ा समय लगेगा। ये कार्ड बिल्कुल क्लियरली बताता है कि जो चीज़ आप आज प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर आपको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, तो आज थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। चलिए अब अगली राशि का अब हम रुक करते हैं, तो अब बात करते हैं वर्गो की। तो वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए निकल कर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, महिला वर्ग बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगेंगी, और साथ ही साथ आज आप मतलब ऐसा हो सकता है कि आज आपका मन बहुत करे कि आप कोई गहने ले लें, क्योंकि गोल्ड तो बहुत महंगा है, तो हो सकता है कि आप कुछ जो इमिटेशन ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्टेड हो, या आप कुछ ऐसे चीज़ें इन्वेस्ट पहनना चाहें जो कि डेकोरेटिव ड्रेसेस या कुछ ऐसी, मतलब मुझे लगता है आज आप अपनी वेशभूषा, अपनी जो पूरी पर्सनैलिटी को डेकोरेट विजुअल करने के बारे में सोचेंगे, तो आज सजने धजने का मन बहुत ज़्यादा करेगा आपका। देखा जाए तो फाइनेंसिस के लिए आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अब अगली राशि की बात करते हैं, तो अगली राशि है लिब्रा। लिब्रा के लिए निकला है ये कार्ड 6 of Wands का कार्ड, जो आपको देता है विक्ट्री ओवर एनी सिचुएशन। मतलब आज के दिन आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी, दूरस्थ स्थान से कोई अच्छा संदेश भी मिल सकता है आपको, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है दिन आपके लिए। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, तो अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए निकला है
फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो ये कार्ड तो भाई ये तो डाउन एंड आउट कार्ड है, तो ये तो काफ़ी ऐसी एनर्जीज देता है जो थोड़ी सी एंग्जाइटी से भरी भी हो सकती है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आज अपने फाइनेंसिस को लेकर आप थोड़ा चिंता कर सकते हैं, क्योंकि आपने खर्चे बहुत कर दिए लगता है, और उनको कई क्रेडिट कार्ड का भी बिल खड़ा हुआ हो सकता है जिसको पे करने के लिए आपके पास फाइनेंसिस की थोड़ी प्रॉब्लम हो। मुझे आपको बहुत क्लियरली बताना है कि आपको अब खास करके स्कॉर्पियो राशि को इस पूरे महीने अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करके चलने की जरूरत पड़ेगी। अगली राशि का रुख करते हैं, अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए निकला है जजमेंट कार्ड, तो जजमेंट कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है, एक नई बिगनिंग हो सकती है और नई शुरुआत। आज का दिन आपके लिए काफ़ी एक नई अवेकनिंग का कार्ड है, एक नई जागृति का कार्ड है। मेरे को तो लगता है कि आज काफ़ी अच्छा जाएगा आप लोगों का दिन, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके पास जिसकी वजह से आप सोचोगे कि चलो आज मैं नए तरीके से इस काम को शुरुआत, मतलब एक ओल्ड मैथड को आप छोड़कर न्यू मैथड अडॉप्ट करेंगे एक ही काम में, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अलग आएगा। यानी कि आपको डिफरेंट मेथड, डिफरेंट फॉर्मूला यूज करके, जैसे होता था ना हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम डिफरेंट मेथड से मेथड वन मेथड टू, तो मेथड टू अडॉप्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको जल्दी भी मिलेगा और आप देखेंगे कि आप जल्दी उत्तीर्ण हुए। तो इस तरह से आपको न्यू मेथडोलॉजी अडॉप्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी और वो कर भी पाएंगे आप बहुत अच्छे से। चलिए अगली राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लिए निकला है ये कार्ड, कैप्रिकॉन के लिए निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यानी कि कोई महिला है आपके परिवार में जो एल्डरली वुमेन है, जो आपसे अटेंशन चाहती है, आपको उनकी सहायता की आवश्यकता है, या फिर तो उनके साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको देखना होगा कि आप कहीं किसी एल्डरली वुमेन जो आपके परिवार में है उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा अपने व्यवहार में विनम्रता लाने की कोशिश करना, क्योंकि आज के दिन ऐसा हो सकता है कि आप विनम्रता को थोड़ा सा साइडलाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बारे में ओपिनियन लोगों की थोड़ी सी चेंज हो रही हो। अगली राशि का रुख करते हैं एक्वेरियस की बात करते हैं। तो एक्वेरियस के लिए निकला है ये कार्ड, एक्वेरियस का किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी ये बताता है कि आप बहुत स्ट्रांग, प्रैक्टिकल, डोमिनेटिंग नेचर से आज लोगों के सामने पेश आएंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी रहेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी होती है, लेकिन वो किसी को बख्शता नहीं है, मतलब किसी के लिए स्पेस नहीं है कि किसी को इमोशनल स्पेस दी जाए या किसी को जरा सा भी अकोमोडेट करा जाए। इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं होती है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो इस तरह का आपका नेचर हो सकता है आज के दिन, या फिर आप आज इस तरह के व्यक्ति से मिल सकते हैं जो बड़ा हार्श हो आपके साथ। तो कहीं आप किसी को नाराज ना कर दें, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला कब किंग ऑफ स्पोर्ट्स बन जाए आपके साथ और आपके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दे। आप ध्यान रखिएगा आज के दिन आप लोग। चलिए आखिरी राशि मीन राशि की बात कर ली जाए। तो मीन राशि के लिए निकला है ये कार्ड, फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, आज अगर कहीं पर भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो मीन राशि वाले प्लीज़ उस आर्ग्यूमेंट से बच कर रहे, चुपचाप साइड में हो जाए। अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपको वहां बैठना बहुत जरूरी है तो एकदम चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनते रहें, कुछ कंट्रीब्यूट ना करें, अपनी तरफ से कोई इनपुट ना दें, क्योंकि अगर आपने कोई इनपुट दिया या आपने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो आपकी हो सकती है वहां पर इंसल्ट, क्योंकि ये कार्ड किसी तरह के इंसल्टिंग से एटमॉस्फेयर में आपको लेके जा सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है। तो कोशिश तो सबसे पहले यही करनी होगी कि आप किसी आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट जहां पर हो वहां पर अपने आप को खड़ा ही ना हो, और कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो, तो वहाँ से अपने आप को बचकर चुपचाप निकल लो, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा सा आपको इंसल्ट्स दिला सकता है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सभी राशियों का आज का मेरी तरफ से टैरो फोरकास्ट था। तो ये टैरो फोरकास्ट के बाद अब बारी आती है आज की टिप की। तो आज की टिप उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग अपने जीवन में यश कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, लाइमलाइट में आना चाहते हैं। अपने जीवन में सक्सेस तो सबको मिलती है, सक्सेस के साथ साथ सबकी इच्छा होती है कि हम फेमस हों। तो फेमस होने के लिए क्या कुछ ऐसी फेंगशुई टिप्स हो सकती हैं जो आपको प्रसिद्धि के साथ साथ लोगों का
स्नेह भी दिलाए या फिर आपको फेम में आपकी बढ़ोतरी कराए, यश दिलाए, तो मैं आपको उन टिप्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो चलिए हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कहते हैं कि जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होता है तो उनको जीवन के सारे ऐश्वर्य तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ साथ उनको फेम भी मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग नहीं है लेकिन आप फिर भी फेमस होना चाहते हैं तो आप क्या करें, तो उसके लिए आपको अपने घर की साउथ दिशा यानी कि अपनी दक्षिण दिशा को सबसे पहले नीट एंड क्लीन रखने की आवश्यकता है। और नीट एंड क्लीन रखने के साथ साथ वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप वहां शूज ना रखें, कोई भी जूते ना रखें, कोई भी शूकेस अगर आपका वहां रखा है तो तुरंत उसे हटा दीजिए। वहां पर कोई स्टोर भी नहीं होना चाहिए, स्टोर अगर वहां पर है तो वहां पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें रखी हुई होनी चाहिए। अच्छा, अब हुई ये बात, अब फेम कैसे बढ़ाया जाए। फेम बढ़ाने के लिए आपको साउथ डायरेक्शन में लगाना होगा बहुत ही शानदार सा लैंप शेड, यानी कि अगर आप जितना खूबसूरत लैंप शेड वहां लगाते हैं, जितना अच्छा प्रज्वलित लैंप शेड होगा उतना ही ज्यादा फेम आपका बढ़ेगा। साउथ डायरेक्शन में एक लाइट लगा दीजिए लैंप शेड के साथ और देखिएगा कि आपका फेम कितना बढ़ता है। ये है एक टिप। फेम बढ़ाने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप धारण कीजिए सिट्रीन क्रिस्टल को, सिट्रीन क्रिस्टल के साथ साथ अगर आप एम्बर क्रिस्टल भी धारण करते हैं और थोड़ा सा उसके अंदर छोटा सा पार्ट आप उसमें फिरोजा यानी कि टर्कोइज क्रिस्टल भी लगा लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपका नेम फेम कितना बढ़ता है। इस तरह का क्रिस्टल जैसे मैंने डिज़ाइन किया है, इसमें बहुत सारा सिट्रीन है, ये एम्बर है और ये टर्कोइज है, इस तरह का कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी आप पहन सकते हैं। आप देखिएगा कि ये सारे क्रिस्टल मिलके आपको कितना हेल्प करते हैं आपकी लक को एनहेंस करने के लिए, फेम को और को फेमस बनाने में। तो ये है आपको फेमस करने के लिए मेरी तरफ से शानदार टिप। अगले शो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।